स्पाइडर स्पोर्ट कैलिब्रेशन व्यू, स्विच करता हूँ अनकैलिब्रेशन व्यू, और भी एक करके देखता हूँ, ज़्यादा डार्क इमेजेस लेता हूँ या फिर फुल वाली इमेजेस लेता हूँ। ये देखिए अनकैलिब्रेशन व्यू, कैलिब्रेशन व्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव, आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो बताने वाला हूँ कि मॉनिटर कैलिब्रेट कैसे किया जाता है और कौन सा कैलिब्रेशन किट आपको लेना चाहिए मॉनिटर कैलिब्रेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़, सबसे पहली बात आती है कि कैलिब्रेट क्यों करना चाहिए। तो आपने मुझे, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने या बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल पूछा था यूट्यूब चैनल पे कि फ़ोटोग्राफी के लिए या फोटोशॉप के लिए कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए। तो मॉनिटर के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपको IPS पैनल का मॉनिटर लेना चाहिए, जो कि ओल्ड टाइप का VA पैनल होता है। VA पैनल, IPS पैनल के अभी नए जो मॉनिटर आ गए हैं वो लेना चाहिए, और भी उसमें 100% RGB जिसके अंदर कलर है, तो वही मॉनिटर 100% एडोब RGB जिसके अंदर कलर है मॉनिटर के अंदर, वही मॉनिटर फोटोशॉप के लिए या हमारे फोटोग्राफी के लिए मॉनिटर होना चाहिए। अभी मॉनिटर तो आपने ले लिया, या फिर आप तो इतना बड़ा तो महंगा मॉनिटर तो नहीं ले सकते, IPS मॉनिटर तो कोई भी ले सकता है, लेकिन उसमें भी हमें जो कलर दिखना चाहिए, जो फोटो में जो हम एडिटिंग करते हैं वही कलर अगर आप यहाँ पर देखते हैं वही प्रिंटिंग नहीं आता है, ऐसे भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था बहुत सारे वीडियो पर। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मॉनिटर है वो एकदम एक्यूरेट, अपने ले लिया तो बाद बाद में धीरे धीरे उसका कलर जो है वो कम कम होते जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक कैलिब्रेट नाम की एक किट आ जाती है। तो ये कैलिब्रेट ऐसे कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, वो हमारे RGB कलर है, एडोब RGB कलर है, वो एक्यूरेट दिखाई देगा। तो इसलिए कलर कैलिब्रेट करना चाहिए मॉनिटर को महीने महीने बाद, एक एक महीने बाद। तो मैंने ये लिया है, तो मेरे पास तो ये है स्पाइडर एक्स इलिट नाम की ये कैलिब्रेशन किट, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये मैंने परचेस की है, तो आप ये वाली ले सकते हैं। और इसे हमारा मॉनिटर को हर दो वीक, मतलब कि दो हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद या एक महीने बाद आप उसको हर बार कैलिब्रेशन करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी, अगर आपके पास दो दो मॉनिटर है, इसमें अलग से कलर करेक्शन दिखाई देता है, इसमें कलर अलग से कलर करेक्शन दिखाई देता है, और जो प्रिंटिंग होके आता है वो तो अलग से ही आते हैं, तो इसीलिए तो सबके पास एक कैलिब्रेशन होना चाहिए, ताकि हमारे सभी जगह पे एक समान इमेजेस दिखाई दे, इसीलिए कलर कैलिब्रेशन करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले किट से कैलिब्रेशन करके, और देखते हैं कि राइट कलर दिखाई देते हैं कि नहीं। अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखा है तो ये पहले देखते थे, उसके बाद में ये दोनों भी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि कलर कैलिब्रेशन होने के बाद में ये कैसे हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं। एक बार इसका कलर करेक्शन आप देख सकते हैं, जो भी है वही, लेकिन कलर करेक्शन कैलिब्रेशन होने के बाद में हम इसको दोनों को सेम टू सेम करके देखेंगे। तो ये, तो यहाँ पर हमने इमेजेस देख लिया, अभी इसके बाद में मैं ये वाली किट को कलर कैलिब्रेशन किट लगाकर कलर कैलिब्रेशन करके लेता हूँ मॉनिटर को। पहले तो एक ही मॉनिटर को कलर करे कैलिब्रेट करके लेता हूँ, फिर बाद में। सबसे पहले तो हमें इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में हमें सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ इसका, दोस्तों मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, अभी उसको ओपन करके देखते हैं डायरेक्टली, और ये यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग करता है वो ज़रा हमें पता भी चलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कैसे डाउनलोड करना है, उसके ही साइट में जाना है, स्पाइडर एक्स इलिट ये नाम का आप नाम डालोगे गूगल पे तो ये आपको सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, और स्पाइडर एक्स
एक्स इलाइट 4.5 ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है, और इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या आता है उसको सामने। ओके रिकॉर्डिंग वर्किंग 1 मंथ, ये 1 मंथ तक चलेगा, इसके बाकी बिना नहीं चलेगा। नो सेंसर सिलेक्ट, प्लीज मेक यूअर स्पाइडर सेंसर इज प्लगिंग यूअर यूएसबी पोर्ट कंटिन्यू। ओके ये मुझे कहता है कि ये कंटिन्यू करने के लिए ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये मैं जोड़ता हूँ उसको और ये पता चलेगा। और ये किट को एक कैमरा आता है ऐसा, और इसे हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा और यूएसबी भी कंप्यूटर को लगानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ और देखते हैं। ये तो बाद में लगाना पड़ता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो यूएसबी तो लगाया था। ये बाद में रख सकते हैं कैमरा, लेकिन अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। अभी मुझे सीरियल की बताने को डालने को कह रहा है, और मैं सीरियल की इसको इंसर्ट करता हूँ 50C04133 3BBC80। अभी इसने एक्टिवेशन ले लिया, अभी मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। हाँ ओके अभी नेक्स्ट आ गया, और यहाँ पर ये थैंक यू एक्टिवेशन योर सॉफ्टवेयर और फिनिश। ओके अभी ये किट लगाने पड़ेगी मुझे, और ये किट लगाने के लिए मैं पहले सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ। यू आर लाइक अप्रूवल टू ऑटोमेटिक चेकआउट सॉफ्टवेयर अपडेट। अरे बाबा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना है तो अभी चलो होने दो। और हाँ कैलिब्रेशन माय डिस्प्ले नेक्स्ट, वार्म अप टू और लाइटिंग ये सब पे सिलेक्ट करना है, जितना है उतना सब पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट जाना है। और क्या करके आता है यहाँ पर, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है वही सेटिंग रखूँगा मैं, और बाकी कुछ भी नहीं करूँगा। और मॉनिटर मेरा एक ही मॉनिटर करने वाला हूँ, तो एक पे डेस्कटॉप नेक्स्ट, मॉनिटर टाइप जो है सिलेक्ट डिस्प्ले मॉनिटर ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पर भी जो PNP। ओके और ब्राइटनेस और केल्विन प्रीसेट, केल्विन प्रीसेट नेक्स्ट, कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ मैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट लेना है तो वही बेटर रहेगा। फुल कैलिब्रेट योर डिस्प्ले। ओके नेक्स्ट, वन योर डिस्प्ले एडजस्ट योर राइट पॉइंट। प्लीज स्पाइडर टू चेक शो ब्लू, मेक योर हाउ टू इंसर्ट लाइट एंड डिस्प्ले योर डिस्प्ले स्क्रीन। बार यहाँ पर ये लगाना है, तो ये कहाँ पे जाएगा बाबा, नेक्स्ट
व्हाइट पॉइंट, रिमेंबर टारगेट सेटिंग 200 व्हाइट पॉइंट्स 6500। ओके और यहाँ पर हमें ये किट लगानी है। चलेगा भी और दौड़ेगा भी, तो यहाँ पर कैलिब्रेशन होना शुरू हो गया है। ये अलग अलग से कलर चेंजेस करेगा और ये कैलिब्रेशन हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में हम इमेजेस चेक करेंगे कोई फ़र्क नज़र आता है कि नहीं, और वह बिफोर आफ्टर भी दिखाई देता है। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव छूट जाता है आपके मन में तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे देखते रहिए वीडियो, और भी कुछ होता है कि नहीं ज़रा देखते, कंपैरिजन भी आपको पता चलेगा साइड बाय साइड क्या डिफरेंसेस है। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमारे प्रिंटर में जो फ़ोटो डिस्प्ले पे यहाँ पर दिखाई देता है वही मॉनिटर पे तो नहीं आता है। अगर दो दो मॉनिटर है तो एक मॉनिटर पे अलग कलर करेक्शन दिखाई देता है, दूसरे मॉनिटर पे अलग कलर करेक्शन दिखाई देता है, और लैब से प्रिंटिंग आती है तो वो अलग ही प्रिंटिंग निकल के आती है। तो इसका कारण है दोस्तों कि हमारा मॉनिटर 100% RGB नहीं होता है। इसीलिए तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि मॉनिटर हमारा फोटोग्राफी से रिलेटेड राइट मॉनिटर होना चाहिए, जो कि IPS पैनल का राइट मॉनिटर होता है, वो भी एक उसमें भी 100% RGB वाले ही मॉनिटर होने चाहिए। उससे कम वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सजेशन यही है कि 100% RGB वाले मॉनिटर रहा तो 100% कलर मिल जाता है। और अगर वैसे नहीं है, नॉर्मल थोड़े से कम है, sRGB वाले मॉनिटर है या 72% sRGB वाले हैं, ऐसे ही मॉनिटर हो गया, आपने उसका फुल डिटेल में देखा होगा तो आपको पता चलेगा हमारा मॉनिटर कितना RGB कलर वाला है या एडअप RGB वाला है या जो भी कलर है वो। तो इसीलिए अगर आपके पास दो दो अलग अलग, दो दो तीन तीन मॉनिटर अलग अलग है, सभी जगह पे सेम देखना चाहते हो, तो एक कलर कैलिब्रेशन की किट ले लो। इसे हमारा कलर कैलिब्रेशन हो जाएगा और जो इमेजेस राइट दिखाई देगी इधर वही दूसरे मॉनिटर पे भी दिखाई देगी, लैब में भी वही दिखाई देगी, सेम टू सेम प्रिंटिंग भी आएगा। इसीलिए तो कलर कैलिब्रेशन करना चाहिए, तभी तो हमारे एकदम राइट इमेजेस दिखाई देगी। तो ये जो किट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, स्पाइडर एक्स इलिट, ये जो किट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं अमेज़ोन से और ले सकते हैं। और कंटिन्यूटी हमारे एक एक महीने महीनों बाद फिर से हमारा मॉनिटर कलर कैलिब्रेशन किया तो एकदम राइट कलर दिखाई देगी, आपको कभी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमें राइट कलर चाहिए तो एक किट लेना ज़रूरी बनता है। ये देखिए अभी यहाँ पर कैलिब्रेशन व्यू है और यहाँ पर स्विच करता हूँ अनकैलिब्रेशन व्यू, और फिर से एक बार मैं स्विच करता हूँ ये कैलिब्रेशन व्यू। तो हमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, कैलिब्रेशन व्यू में ज़्यादा कलर दिखाई दे रहे हैं और अनकैलिब्रेशन व्यू में हमें कलर डिम दिखाई दे रही है। मतलब कि जो नया मॉनिटर लेते हैं तभी हमारे मॉनिटर में ज़्यादा कलर होते हैं, उस टाइम का कलर हमें अभी दिखाई दे रहा है कलर कैलिब्रेशन करने के बाद। ओके तो इस किट से मैंने कलर कैलिब्रेशन किया है। अभी इसमें कस्टम इमेजेस में ओपन करके देखता हूँ हमारे सेम टू सेम पहले जैसे दिखता है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं अनकैलिब्रेशन व्यू, अनकैलिब्रेशन व्यू, अनकैलिब्रेशन व्यू, अनकैलिब्रेशन व्यू, तो ये डिफरेंस आता है। अभी मैं और एक इमेजेस चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये वाली इमेजेस लिया था, ये देखिए अभी इसको भी स्विच करता हूँ, कैलिब्रेशन व्यू की इमेजेस अभी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइडर स्पोर्ट कैलिब्रेशन व्यू, स्विच करता हूँ अनकैलिब्रेशन व्यू, तो यही डिफरेंस है मॉनिटर में, मतलब कि कैलिब्रेशन करने के बाद में। और भी एक करके देखता हूँ, ज़्यादा डार्क इमेजेस लेता हूँ या फिर फुल वाली इमेजेस लेता हूँ। ये देखिए अनकैलिब्रेशन व्यू,
कैलिब्रेशन व्यू। कैलिब्रेशन करने के बाद में हमारे इमेजेस में कितना चेंजेस आ गए हैं, इसमें जो भी डार्क कलर है या ज़्यादा कलरफुल इमेजेस है वो दिखाई दे रही है, मतलब कि हमारा मॉनिटर हमने जैसे नया लिया था उस टाइप में भी हमें एकदम राइट नए नए कलर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो यही फ़ायदा है दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लिया तो ऑब्वियसली फ़ायदा ही है, अगर नहीं लेता है तो इमेजेस तो वैसे ही होंगे, अलग से दिखाई देगी, अलग से प्रिंटिंग आएगी, तो इसीलिए तो ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद में किस किस को फ़ायदा हुआ है और सही होता है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।